पत मांगा होगा, हमने जरूर कुछ ना कुछ पशुपति व्रत में गलती करी होगी जिसके कारण मेरे भोलेनाथ ने मेरे व्रत को स्वीकार नहीं करा। हमें अगर हमारे पास माचिस नहीं है तो बाबा के मंदिर मल्ला भंडारा कर रहा। आज भगवान शंकर की आराधना कर रहा था, बैठा था, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण मल्ला ने करना प्रारंभ करा। जिस महामृत्युंजय मंत्र को मार्कंडे बाबा ने प्रकट किया, जिस महामृत्युंजय मंत्र के 33 अक्षर के माध्यम से मार्कंडे बाबा अपने जीवन का सुख पा गए, उस महामृत्युंजय मंत्र का जाप मल्ला आज भंडारा करते करते, भगवान शिव पर आराधना करते करते भाव के साथ कर रहा था। दूध और जल शिव को समर्पित कर रहा था, दूध और जल। एक शमी का पुष्प और एक जल में मिला हुआ दूध, जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प। थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर, बहुत भाव से श्रवण करिएगा। एक जल में मिला हुआ दूध और एक शमी का पुष्प, ये दोनों महामृत्युंजय के जप के लिए, महामृत्युंजय अनुष्ठान के लिए, महामृत्युंजय मंत्र के लिए बड़े प्रबलता का कार्य करते, बड़े प्रबलता। ध्यान दीजिएगा, जब आपको लगे कि आपके परिवार में अगर कोई दुखी है, किसी को बहुत कष्ट आ गया, कोई बहुत ज्यादा कर्जे में लदालूम हो गया और उसने विचार करा कि मैं तो मर जाऊं तो अच्छा है, या मैं सुसाइड कर लूं तो अच्छा है, अब उनसे निवेदन रहेगा कि मरना मना नहीं, पर थोड़ा प्लान लेट बना मरने का। हम ये नहीं कर रहे कि तुम मत मरो, पर थोड़ा प्लान लेट करो। आज मरने का विचार करा है तो थोड़ा सा 15 दिन रुक जा, फिर विचार करना 15 दिन बाद 20 दिन बाद कि मरूं कि नहीं मरूं। पर एक कार्य जरूर कर देखना, रुद्राक्ष की माला से महामृत्युंजय मंत्र का जाप शंकर जी के मंदिर के सम्मुख में, नंदीश्वर के पास में बैठकर शिव के सम्मुख